मास्क प्रॉपर लगाएं बाजी पूरा कहीं जा मैं लाना तू ला पूरा यहाँ करो बंद मास्क तो ढंगा लो कोई कड़ा मास्क आया तो पूरा ही नहीं है ना का फिर नहीं टकोई दा हूँ ठीक है हूँ छिकड़ू लाई लिया बल्दा वाला बल्दा छिकड़ू लाई तेरे सुप्रभात भाव लोग कैसे हैं आप सभी उम्मीद सब अच्छे होंगे जो ब्लॉग को देख रहे हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है थोड़ी सी लेट, कपड़े धो दिए माता जी ने, अब बस सूखने के लिए डालने जाना है लेंटर पे। और चलिए चलते हैं डालते हैं सूखने ने। तो कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए, तो अभी देखते हैं खाने में क्या बना है। मूंगी की दाल, अरे मेरी जोड़ी दाल बनी होती है मूंगी की, हफ्ते में पता नहीं एक दो बार तो बनी जाती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी साइकिल ठीक करवाने और आपको बताता हूँ अपनी साइकिल कंडीशन कहाँ पे। साइकिल ऐसी जगह पे साइकिल है मेरी, देख सकते हैं आप, वो है वो दूर जाके, अभी वो निकालने पड़ेगी वहाँ से। एक तो कपड़े भी गंदे हो जाएंगे अब तो, ओह यार ओहो क्या स्थिति है मेरे साइकिल की, खंडर में है ये तो साइकिल। ये हमारी गोइंड थी वैसे, जहाँ पे ये साइकिल है चाचू को लाके ले गया था तब निकालता। तो साइकिल हमारी निकल चुकी है बाहर, बस थोड़ा साफ करना है अब इसे, थोड़ा चमकाना है। तो हो चला है बहुत गर्मी का मौसम, माकल प्रेम चलो चलो आ जाओ। तो अभी चल पड़े हैं साइकिल रिपेयर के लिए। काफ़ी गर्म है गाड़ी अंदर, शीशे खोलने पड़ेंगे। तो अभी आ चुका हूँ मैं जाके दुकान में, एक साइकिल में हैंडल डालना था और जो मेरी वाली साइकिल थी उसमें टायर डालना है और ट्यूब डालनी है, बाकी ब्रेकिंग उसकी ठरी होनी है, तो बस इतने काम था। तो आज तो थोड़ा बिजी था क्योंकि पहले साइकिलें थी रिपेयर करने को, उसने मुझे बोला कि कल आ जाना आप, कल आपकी साइकिल से पहले हो जाएगी, 9:30 बजे थे यार। तो देखता हूँ कल जाता हूँ मैं, और चाचू की साइकिल का हैंडल आने को भी लगेंगे शायद 3 दिन, उसने बोला कि 3 दिन के बाद ही आएगा उसका हैंडल, तो वो तो शायद अब 3 दिन बाद आएगी, लेकिन मैं कल देखता अगर 9:30 बजे में जा पाया, जाता हूँ और अपनी साइकिल रिपेयर करके आता हूँ पूरा प्रॉपर। अब छोड़ तो आया उसके पास, लेकिन पहले कंद्रोवर वाले के पास गए थे, कंद्रोवर वाले के पास चाचू की साइकिल हैंडल करना, हाँ ठीक, तो उसका हैंडल दे दिया मैंने कि भाई कर लाया ऐसे, चल ठीक है डाल दे इसमें नया हैंडल। तो उस बंदे ने ये नहीं बताया कि उसके हैंडल ये पुराने वर्जन वाला नहीं, क्योंकि वो साइकिल 1990 कितने की साइकिल है, वो बहुत पुरानी साइकिल चाचू वाली जो है, तो उसका हैंडल नहीं मिलता होगा अभी। तो उसने ऐसा किया, पहले तोड़ दिया वो ढंग से, पहले सिर्फ उसकी थोड़ी रॉड टूटी थी वो पूरा तोड़ दिया, फिर बोलता कि अब हैंडल नहीं मिल रहा मेरे को, लेकिन उसके पास है, उसने बोला कि हम जुगाड़ कर देंगे कहीं ना कहीं, तो हैंडल डल जाएगा उसमें साइकिल में, तो देखते हैं। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा पसीने पड़ गए, मतलब सिर्फ पैर कंद्रोवर तक आना जाना हो, लेकिन इतनी गर्मी हद, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं मटके का। तो फ्रिज से अच्छा तो मटके का बन रहता है पीना, मटके का पानी ठीक है ऐसे पीना, क्योंकि फ्रिज के पानी तुरंत आते पियो तो बीमार होने के चांसेस रहते हैं, तो उसके लिए मटके का पानी। अभी एक गिलास से कुछ बनाने, 2-3 गिलास और पीना पड़ेंगे तभी और कुछ प्यास मिटेगी। तो अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पर जाऊँगा मामा जी कमरे में, बस टी शर्ट चेंज करके सैंडो डाल लूँगा अभी मैं, बस वहाँ सोऊंगा, क्योंकि वहाँ ग्राउंड फ्लोर पर अच्छे कमरे हैं ठंडे ठंडे। मौसम बड़े अनुमान को बता रहे हैं बारिश होने का, लेकिन बारिश होने का कोई आसार है नहीं मेरे को लगता जहाँ तक है, क्योंकि हमारे बिलासपुर में बारिश पड़ती नहीं जानी कुछ, पड़ती तो हल्की 5 मिनट पड़ती है और उससे भी कोई इतनी राहत नहीं मिलती है।
लेकिन अब क्या करें, जब गर्मियों का मौसम है गर्मी छेड़ने पड़ेगी ही, और बारिश हो यहाँ पे ठंडी रात मस्त आ रही है अब तो। हाँ जी बाजी, तो अभी चाय ले आए हैं बाजी, और उसके साथ स्नैक लाइट भी, थोड़ा गर्मी में चाय। अभी आलू लेने के लिए आ चुका हूँ मैं दुकान पे। बाजी आलू क्या रुपये किलो? लाओ लो पापा जल्दी। बाजी ने चूहे पकड़ने के लिए रखे हुए चूहेदानी। भाई चूहे पकड़ो, ये भी अल्ले तक की मैं कहीं लाई रही की है इं लाई रही की चूहेदानी। चूहे पकड़ो है कि नहीं लगे? कोई लगे नहीं, लगते नहीं है नहीं होंगे तो लगा। तो आलू लेके आ चुका हूँ मैं, अब इसको डालूंगा फ्रास्विन में, फ्रास्विन के काटने हैं चार पाँच आलू। बाकी इस सीज़न में तो हर हफ्ते में दो दिन तो फ्रास्विन बन जाती है, और भिंडी और घी है, ये तो आम ही है, आपके घर में भी आम ही होगा। तो मैंने काट दिए बिल्कुल फ्रास्विन, और हम मैं लगा हूँ बनाने मैंगो शेक। और गर्मियों में सबका एक इलाज होता है, किसी को ज़्यादा गर्मी लगे तो इसकी तरह हीरो से जीरो करा लो। ये मिडिल क्लास फैमिली के एक नुस्खा होता है, अगर हम कहीं बोले ना हमें घूमने जाने का, पहली बार सर हमें गर्मी हो गई है, कहीं ट्रिप पे चलते हैं कुछ है, तो हमारे को पता क्या करते हैं उसका इलाज क्या होता है घूमने का, गंजे करते हैं कि गर्मी ना लगे। डैम पे जाते हैं ना और डैम में जाके। तो अभी मैं बनाता हूँ मैंगो शेक, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि यार कुछ पीते हैं ठंडा ठंडा, बाहर जाके कौन ही ऐसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल चक्के वैसे ही 35 रुपए की, और उसमें भी शुगर इतनी ज़्यादा, तो इस वजह से अपने घर पे बनाओ मस्त। क्यों भाई पियेंगे आप ओम शर्मा? बनाते हैं तो फिर सभी के बनाते हैं गिलास। तो मैंगो शेक बन के रेडी हैं, देखते हैं अभी, बहुत चिल्ड है पापा ने एक बनाया और क्या मस्त पड़ गया, क्या झाक झाक हुआ है ना, मतलब पापा ने इसमें तो काफ़ी दूध डाल दिया भर के, मैं थोड़ा पानी डाल लेते हैं इसमें अपने, मतलब प्योर ही बना फिर पूरे दूध का तो कोई सीन नहीं, और एक तरफ फ्रीजर वाले में रखा होगा वो भी दूध है, बर्फ़ी जम गई दूध की भी। बाकी यहाँ मैं बना रहा हूँ मैगी ओम के लिए, ओम और मम्मी, और थोड़ी इसमें खाऊँगा इसको, तो एक मिनट लगेगा मैगी को और तैयार होने में, बाकी इसको डालते हैं हम गिलासों में। जब आप देख सकते हैं मैंगो शेक जा रहा है, क्या लग रहा है लस्सी है ये देखिए, और हमारी माता जी पहले आ गई है तैयार होके बस जो जो मैगी खाने के इच्छुक हैं उनके लिए मैगी तैयार है, और बाकी मैं मैंगो शेक देखा चक्के बहुत ही मस्त मीठा बना हुआ है, मैगी देते हैं जिन्होंने खानी है। एक काम हो गया इन सब चीज़ों को बनाने का, कारण बर्तन हर धोने को हो गया मेरे को धुलाएंगे मेरे से खुद धो दें वो तो ठीक है हमें आलस आता है अभी। तो अभी चल दिया हूँ मैं अपने पुराने घर की तरफ, पहले मैं डैम में जाना था लेकिन अखिल ने मना कर दिया कि उसे कुछ डाल उड़ा छूंगना है, उसे छांगना छूंगना जो भी था तूतात कटाई करनी थी, तो फिर नहीं जा पाए हम, इसलिए हम पुराने घर आ गए घूमते घूमते। चपातियाँ बनेगी और गर्मी बहुत ज्यादा होगी रसोई में, मैं चला नीचे कमरों में। तो ब्लॉग का करते हैं ये पे अंत, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।